व्हाट्सएप को लेकर जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है और इसके उल्लंघन का कोई इरादा नहीं है सरकार का। व्हाट्सएप जो आईटी रूल्स के खिलाफ हाईकोर्ट गया और उसमें ये कहा कि सरकार के जो नए आईटी रूल्स हैं वो निजता के अधिकार का उल्लंघन है, लोगों की प्राइवेसी का उल्लंघन है। हालांकि सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है कि निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करती है सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसको वायलेट करने का कोई इरादा नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की तरफ से जवाब आया है। व्हाट्सएप ने सरकार को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जो आईटी रूल्स नोटिफाई हुए थे। रविंद्र इस वक्त जी मीडिया संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, व्हाट्सएप के मैटर पर केंद्र सरकार और आईटी मिनिस्ट्री और खासकर आईटी मिनिस्टर ने कहा कि राइट टू फ्रीडम या फिर राइट टू प्राइवेसी ये एब्सोल्यूट नहीं होता है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामला जहां पर हो या फिर फ्रेंडली कंट्री के साथ कोई संबंधों पर आंच आ रही हो, रेप का मामला हो या फिर वुमेन के जो उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ऐसे मामले में राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं होता है। उसको लेकर सरकार अब कुछ कड़े कानून बना सकती है या उसको पालन करना पड़ेगा सभी को। और इसलिए जो व्हाट्सएप करे उसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया कि व्हाट्सएप को लेकर, व्हाट्सएप पे जो प्राइवेसी है उसको लेकर सरकार कतई उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा। लेकिन ऐसे मामले में अगर व्हाट्सएप पर किसी तरह का प्रोपगंडा चलता है तो उसका रूट ऑफ ओरिजिन उसको बताना पड़ेगा। और यही सरकार कह रही है कि कहां से आया, क्योंकि तो पिछले कई दिनों से देखने में आया है, कुछ महीनों में देखने आया है कि एंटी इंडिया जो प्रोपगंडा चला हो या भारत सरकार के खिलाफ जो अनर्गल आरोप लगा हो, ये ओरिजिन के बारे में बता नहीं पाई व्हाट्सएप या जितने सोशल मीडिया ग्रुप है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसलिए ये नियम भी बनाई है और जिसका पालन करने के लिए वो इनसे आग्रह भी कर रही है और नियमों को पालन करने के लिए डेडलाइन भी दिया था। लेकिन आप ये विडंबना देखिए कि ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है ना, प्राइवेसी वॉलेट करेगी सरकार।